बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमारी इस चैनल के जरिए कोशिश होती है कि आपको तमाम प्रोग्राम्स का इंट्रोडक्शन दें, स्ट्रीम्स के बारे में बताएं, सुबह के बारे में बताएं, उनके प्रोग्राम्स के बारे में बताएं। और अब जो सवाल आया है आपका वो ये है कि वो जायज़ सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि आप जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग भी तो हैं जो कैनेडा मूव तो होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, मगर वो जॉब करना नहीं चाहते, उनका मिजाज ही नहीं है। तो ये बात सही है कि हमारे माशरे में आधे लोग जॉब कर रहे हैं, आधे लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी की दुकान है, किसी का कारोबार है, किसी का कंपनी है, तो उन लोगों के ऊपर तो हमारी वीडियो फिट नहीं बैठती है। ये बात सही है आपकी, आज भी 3-4 कमेंट यही आले आए। तो बिल्कुल ये स्ट्रीम्स हैं आप लोगों के लिए जो वहां पर रहना चाहते हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप मुझसे ये कह सकते हैं कि जी कुछ सस्ता वाला मामला बताइएगा, आसान वाला मामला बताइएगा। देखिए, मामला एक नहीं है, आसान वाला हो या कैसा वाला भी हो, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो मैं जाहिर सी बात है कि एक वीडियो में हम एक ही ऑप्शन कवर कर सकते हैं, तो जो लोग आज कवर हो रहे हैं वो रब्ता कर सकते हैं या वो ट्राई कर सकते हैं। मैं उनको ऑफिशियल लिंक दे दूंगा। अब वो जो आपको मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप वहां पे देखते रहिए कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे अल्बर्टा की। अल्बर्टा के कौन से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ? AINP की। AINP के अंदर जो ये सेक्शन होगा, ये होगा स्टार्टअप वीजा का। और स्टार्टअप वीजा के अंदर जो आपको मिलेगा, उसके अंदर वो मिलेगा कि आपको नो जॉब ऑफर है, यानी कि बिजनेस की बात हो रही है ना, जॉब ऑफर आपको क्यों मिलेगी। इसके अलावा अप्रूव्ड डेजिग्नेटेड लाइसेंस्ड जो वहां पर एजेंसीज हैं, वो अल्बर्टा ने जो अथोराइज की हैं, जो आपको एंटरटेन करेंगी फॉर योर जॉब फॉर योर वीजा पर्पज, फॉर योर प्लान पर्पज, फॉर योर बिजनेस पूरा प्रोफाइल आपकी, और आपको आपसे बात करेंगे, तो उनकी भी डिटेल आपको मैं इसी वेबसाइट पर दे दूंगा जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉरेन ग्रेजुएट स्टार्टअप वीजा स्ट्रीम एलिजिबिलिटी। किसकी बात हो रही है? फॉरेन ग्रेजुएट कौन है कैनेडा के लिए? जिन्होंने कैनेडा से नहीं पढ़ा है, दे आर फॉरनर्स फॉर देम, ठीक है ना। तो फॉरनर वीजा, इसमें कहते हैं कि फाइंड आउट इफ यू नीड द क्राइटेरिया टू अप्लाई टू द AINP फॉरेन ग्रेजुएट स्टार्टअप वीजा स्ट्रीम, ठीक है, अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम AINP। अब इसके अंदर मैंने कहा कि बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ सीधा इसी के अंदर कि आप देखिए कि अगर कोई भी इसमें एलिजिबल है तो वो अपने आप को यहाँ देख सकता है। ये फाइनेंशियली आपको इतना महंगा पड़ता नहीं है। ओवरव्यू तो मैंने आपको दे ही दिया है, नीचे आ जाइए जहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव डेजिग्नेटेड एजेंसीज, यानी कि वो कंपनी, वो इदारे जो आपको आपके इस काम के अंदर जो मैं बताने लगा हूँ आपको हेल्प करेंगे और आपको आपको एंटरटेन करेंगे, उनके नाम है इम्पावर्ड स्टार्टअप। ये कंपनी कहाँ पर है? ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, वैंकूवर के अंदर। इसका फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस सब कुछ तो है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर अल्बर्टा की ऑफिशियल वेबसाइट से। शिकायत ही हो सकती है आपको कि आप कहते हैं कि जी ये जो आप बता रहे हैं ये साइट मिलती कहाँ पर है, तो दो बातें करूंगा। एक, मैंने स्टाफ से कहा है कि प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि ये जो होते हैं लिंक्स, इनको जरूर शेयर किया जाए, क्योंकि ये बात ऐसी लगती है जैसे हम खुदा ना खास्ता को दिखाना नहीं चाह रहे। एक तो मैं इसको स्क्रीन से हटाना नहीं चाहता हूं, या आप देख रहे हैं alberta.ca/AINP फॉरन ग्रेजुएट स्टार्टअप वीजा स्ट्रीम एलिजिबिलिटी .ASPX, ये है वेबसाइट पूरी। अगर इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, इसको अगर आप टाइप करो तो भी हो जाएगा, अगर स्क्रीन रोक करके इसको कॉपी कर लोगे तो भी हो जाएगा। तो छुपाने का तो बात खत्म हो गई है। अब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मैं देख सकूं, मैं देख नहीं पाता हूं कि इसको किस तरीके से एडिट किया गया, क्या डाला गया स्क्रीन के ऊपर। बाज़ोकात मैं ये वीडियो आपके बाद देख रहा होता हूँ और नीचे का डाला गया है तो मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा, मैंने कह दिया है इंतहाई सख्ती के साथ कि प्लीज़ किसी भी लिंक को ना मिस करें, ठीक है ना, किसी भी लिंक को मिस मत करें। दूसरी कंपनी है प्लेटफॉर्म कैलगरी, और ये है जनाब वाला कैलगरी अल्बर्टा के अंदर, ये भी यही काम करती है। आप दोनों में से किसी एक कंपनी से अपने काम करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले अपना समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप इन कंपनी से बात कीजिएगा। उसमें यह है कि वर्क एक्सपीरियंस एक बंदे को कितना होना चाहिए, तो एक बंदे को वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 6 महीने का होना जरूरी है, ये पहले दिमाग में रख लें। एज अ ऑनर, एज अ कंपनी मैनेजर, वट एवर, उसके पास ये होना चाहिए। एजुकेशन के अंदर आ जाएं तो कंप्लीशन ऑफ डिग्री फॉर पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन आउटसाइड कैनेडा, और उसका ईसीए कराना जरूरी है। देखो वही बात आगे दोबारा मैंने कहा कि फॉरनर है, फॉरनर कौन है? आउटसाइड कैनेडा। आउटसाइड कैनेडा कौन है? आप हैं। आउटसाइड कैनेडा कौन है? इंडियन है, बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं,
अरब के लोग हैं, तो दे ऑल आर आउट ऑफ कनाडा की बात हो रही है। दिस डिग्री मस्ट हैज बीन कंप्लीटेड विद इन लास्ट टू इयर्स एट द टाइम ऑफ ओआईई सबमिशन एंड मस्ट बी इक्विवेलेंट टू कनाडा डिग्री। ठीक है, तो आपने ये बातें दिमाग में रखनी है कि अब जाहिर सी बात है जो लोग देख रहे होंगे समझ रहे होंगे वो लोग अगर इस लेवल पे हैं तो वो मेरी बात को समझ सकते हैं। फिर भी अगर तर्जमा करना हो तो यही है कि आप 2 साल के अंदर आपने वो काम किया हुआ हो आपकी डिग्री का और वो जो है वो ईसीए के मुताबिक जो कनाडा की डिग्री है उसके बराबर इक्विवेलेंट आ जाए। और फिर आगे वो कहते हैं कि बिजनेस प्लान क्या होता है, एक पूरा बिजनेस प्लान आपने क्रिएट करना है, पूरा बिजनेसमैन। अब वो प्लान, अब वो 14 पेजेस पे बने, 20 पेजेस पे बने, कुछ भी बने, इसके बारे में यहाँ पर सिस्टम कुछ बता नहीं रहा कि कितने पेज आपको अलाउ हैं। वो कहते हैं आप बनाएं, आप अपना बिजनेस प्लान पूरा ब्रीफ करें कि मैं कनाडा आऊँगा, कनाडा आकर मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं फिर यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। एक पूरा बिजनेस प्लान का आपने एक एक बुक बनानी है। अब बुक समझा दी कि 14 पेज हों, 10 पेज हों, 18 पेज हों, डिपेंड करता है। ये आप बनाएंगे या बनवा लेंगे, दोनों काम में से एक काम होगा। यदि कर लेंगे आप तो उसके बाद आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। जो लोग कंपनीज में काम करते हैं दे नो उस प्रेजेंटेशन बनती है। हमें अगर कोई प्रोजेक्ट कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है कि हम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे काम होगा, तमाम चीज़ें ब्रीफ करते हैं, तो हम उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। तो वो कहते हैं स्लाइड बना लेना लेकिन 10 मिनट से ऊपर की ना हो। उसके बाद आइल्स करना जरूरी है और इनका जो बेंचमार्क है वो है 7 फॉर ईच इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, अब ये जो है आइल्स उसका आपको बता दूं, आगे वो बताएगा कि आप कितना कर लोगे तो कितने पॉइंट मिलेंगे, मगर उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अगर आपका 6 आता है तो अटैम्प्ट दोबारा करना पड़ेगा, 7 आएगा तो वहां पर आपका मामला रुक जाएगा और उसको हम मान लेंगे। उसके बाद बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो आपका खास सवाल हो सकता है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। वो ये है कि अगर आप मेन एरिया में नहीं आते अल्बर्टा के तो आपको $50,000 से आपका कारोबार शुरू हो जाएगा। अब आप अगर कनाडा में हैं तो कनाडा के हिसाब से तो $50,000 हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो तकरीबन 138-140 रुपए का डॉलर है। मान लीजिए कोई 70 लाख रुपए शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप ठीक देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई 70 लाख के आसपास पूरी फैमिली के पीआर के लिए अगर आप कारोबार के लिए 70 लाख रुपए दिखा सकते हैं तो आपका ये काम हो। ये 70 लाख आपने देने नहीं है, मतलब ये कोई बिक नहीं रहा, मतलब प्लीज ये कमेंट मत करना कि आप 70 लाख आप मांग रहे हैं। एक तो वो डालते भी मेरे पे ही, बिल्कुल भी नहीं जी, ना मैं मांग रहा हूं ना वो मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी 70 लाख के आसपास। अब अगर इंडियन होंगे तो उनका तो 70 नहीं होगा ना, तो वो $50,000 को अपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दें, बांग्लादेश के लोग अपने करेंसी में कन्वर्ट कर दें, नेपाल के, यूरोप के, अपने में कन्वर्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप मेन सिटी में आते हैं तो यू हैव एटलीस्ट मिनिमम $1,00,000 जो है आपको दिखाने पड़ेंगे। ये उन्होंने शर्त रख दी है। अब आ जाइए कि क्या होगा, क्या मिलेगा आपको इसके बदले। यू हैव अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम AINP अप्रूव्ड डेजिग्नेटेड एजेंसी। वो ये तमाम चीजें आपने किसको भेजी थी, उन दोनों में से किसी एक को भेजी थी, उन सब की बात चल रही थी, उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया कि यार आपका क्या समझ में आ रहा है, आपने पैसे भी प्रूफ कर दिए, आपने बिजनेस प्लान भी ठीक दिया है, हमें समझ में आ रहा है एंड यू पीपल आर ओके, तो वो आपको क्या देंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप इसी के ऊपर आपको प्रूफ करना है सेटलमेंट फंड। कैंडिडेट मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेट, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, आपको प्रूफ करना है कि सर जब मैं आऊंगा तो मेरे पास ये स्टार्टअप फंड होगा। अब वो किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करना है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि जी मैं आपको किस तरह दिखाऊं, मैं आपको एसेट्स में दिखाऊं, मैं आपको कैश में दिखाऊं, मैं आपको बैंक बैलेंस से दिखाऊं, या मैं आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भेजूं, मैं क्या करूं, तो वो आपको अपने आपके हिसाब से गाइड कर देंगे कि भाई आप हमें बस प्रूफ कर दो कि आप जब आओगे तो ये नहीं कहोगे कि मेरे पैसे जो है वो भैंसों में फंसे हुए हैं, मेरे पैसे जमीन में फंसे हुए हैं, बंदा भाग गया, मुकर गया, मेरी जमीन तो मां की थी, ऐसा कुछ नहीं करना। उस टाइम आपने कंफर्म करना है कि जी मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास $1,00,000 हैं या $50,000 हैं, तो वो ये रहे। ठीक है ना, आगे चलिए। तो आगे टेबल है जिसमें पॉपुलेशन साइज और कम्युनिटी एंड फंड रिक्वायर्ड है। ले लंबा मामला है, इसको आप देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से है, चूंकि आपके सामने है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसके ऊपर जाऊंगा नहीं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से बात हो रही कैसे मिलेगा, तो वो तमाम पॉइंट ये तमाम बुलेट्स मैं कवर कर चुका हूं, इस पर दोबारा नहीं जाएंगे। क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स के हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर आपके पॉइंट होते हैं 7 तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपका ये स्कोरिंग पर भी बात है ना,
अगर आपके स्कोर आता है 8 तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपका स्कोर आता है 9 जो कि मुश्किल है 30 पॉइंट मिलेंगे। ये तमाम पॉइंट जो है आपको ज्यादा फायदा देते हैं। अब ये देखिए कि जो आदमी कारनामा दिखा दे और 9 बैंड ले आए उसके स्कोर होगा 30, लेकिन बैचलर डिग्री की भी अगर वो कर लेता है तो पॉइंट कितने मिलते हैं 5। अब कहां 5 पॉइंट और कहां 30 पॉइंट, वहां पर मास्टर डिग्री के 10 पॉइंट है। यानी कि आप सोच लीजिए आइल्स की वैल्यू, आइल्स वैल्यू आपको 30 पॉइंट दिला सकती है या 20 पॉइंट दिला सकती है, और वहीं आपको मास्टर डिग्री 10 पॉइंट दिलाती है, और जो पीएचडी की डिग्री है अंदाजा लगाइए 15 पॉइंट दिलवाती है। इस तरीके से आप ये तमाम पॉइंट्स का स्कोर यहां पर देख रहे हैं। मेन पॉइंट क्या है, ये तो तमाम चीजें हैं आप देख सकते हैं यहां पर। अगर आप इन बातों को आप कर सकते हैं, अब ये भी आप देख लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि जी मुझे जो है थोड़ा सा फिर भी इसमें कंसर्न है, जिस तरह आप कहते हैं ना कंसर्न है, समझ में नहीं आ रही कुछ भी है, तो आप डायरेक्ट इफ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रोग्राम सबमिट एन ईमेल टू entrepreneursupportservice@gov.ab.ca। ये डायरेक्ट अल्बर्टा की है। अगर आप समझते हैं कि आप ये तमाम चीजों को क्रेडिट को पूरा करते हैं, मतलब आप ग्रेजुएट उस तरीके से हैं, आप आइल्स कर चुके हैं, आपके पास पैसा भी इतना है, आप तमाम चीजें अगर से पूरी करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी हम छोड़ दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं कि मुझे असिस्ट कर दें, दे रेडी टू असिस्ट, दे नीड पीपल। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी ख्वाहिश को समझिएगा, गो ऑन दिस साइट जो आपको वेबसाइट मिलता है, गो टू अल्बर्टा और गो टू, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, आपको हमारी बात क्रॉस चेक करनी है जो कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है, तो क्लिक ऑन दिस ईमेल एंड राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू आस्क इफ यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूं, आपको अगर ये तमाम मोटी मोटी चीजें आपके अंदर हैं तो ये प्रोग्राम फिर आपके लिए है। और $50,000 में, इससे कम में पीआर मिलना, पीआर मिल रही है इस बात के ऊपर, पीआर मिलना। और अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं, आपके पास एजेंसी से कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन इन एजेंसी से जॉब मत मांग लेना, जॉब वाली जवाब नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि जॉब देते नहीं है ये लोग, आपको इस काम के लिए है, अल्बर्टा के बिजनेस प्रोग्राम के लिए, नथिंग एल्स। दे आर डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड, अल्बर्टा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है, तो आप समझदार हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको फायदा हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो फिर लाइक पे बटन दबा दिया करो, मेहनत हम करते हैं बहुत ज्यादा, और शेयर कर दिया करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।